जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बाय मेरिट टेबल के ऑलमोस्ट 2-3 एग्जांपल्स किए हैं और आपको सम भी दिया था, ठीक है। डाउट अगर कुछ भी आया था किसी का, स्टूडेंट्स का, तो उन्होंने कॉन्टेक्ट भी किया था, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों ने सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया है पूरा मेथड। अब थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन जो है वो इस लेक्चर्स में, ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स में अब हम इस वीक में देखने वाले हैं, ठीक है। फिर चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी हम कुछ देखेंगे। आज के दिन हम जो देखने वाले हैं वो 2 सम देखने वाले हैं, जिसके अंदर पहला जो सम है, एक छोटा सा सम है, वेरिएशन आप देख सकते हो, सम नंबर 59 है, पेज नंबर 43 है। बुक में आप जरा आ जाइए, बुक खोलना जरूरी है क्योंकि बाद में मैं टेबल ड्रॉ करूंगा, उसमें सीधा टेबल ड्रॉ करने वाला हूँ, क्वेश्चन के लिए ड्रॉ नहीं करने वाला, बुक के अंदर है। वहां पे मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स जो है वो हमारे वेरिएबल एक्स की जगह पे दिया गया है, एक्स की जगह पे लिखा गया है उन्होंने। क्वेश्चन में देखो, मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स ब्रैकेट में क्या लिखा है, वाई, और मार्क्स इन अकाउंटेंसी लिखा हुआ है एक्स, यानी उन्होंने कंपल्सरीली हमें बोला है कि जिस वेरिएबल को हम अब तक एक्स कहते थे उसे आपको वाई कहना है, जिस वेरिएबल को हम x कहते थे उसे आपको, यानी हमें x कहना है, यानी दोनों वेरिएबल्स की जगह की अदला बदली हो चुकी है। यानी अल्टीमेटली मैं कहूं तो 59 के सम के अंदर अब तक हम y की जगह पे हॉरिजॉन्टल, x हॉरिजॉन्टल लिखते थे और y वर्टिकल लिखते थे। अब कहानी में ट्विस्ट है कि x जो है वो वर्टिकल आ गया है, y जो है हॉरिजॉन्टल, तो मैं बनने की जगह नहीं, अदला बदली, फर्क क्या पड़ेगा, वैल्यू जो यू वाली मिलती थी हमें नीचे, वो यू वाला पार्ट ऊपर मिलेगा, वी वाला पार्ट नीचे, बाकी कोई कष्ट नहीं है। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा सम होने वाला है ये भी हमारा, ठीक है, तो कष्टदायक कोई काम नहीं है, मगर थोड़ा सा प्रॉपरली समझ के काम करना पड़ेगा। सम इतना हैवी भी नहीं है क्योंकि उन्होंने 3 रो और 3 कॉलम का दिया हुआ पार्ट है और यूनिवर्सिटी 2004 बहुत पुराना जमाना है, तब ये पूरा सम पूछा गया था। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि टेबल ड्रॉ करते हैं तब आपको याद क्या रखना है, जितनी भी रोज या जितनी भी कॉलम्स दी जाए उसी के अंदर हमें क्या करना है, 6 पार्ट ऐड करने हैं, 6 रोज एंड 6 कॉलम्स, तब बनता है हमारा पूरा टेबल। लास्ट सम्स के अंदर तो मैं टेबल ड्रॉ करके ही सीधा सम स्टार्ट कर रहा था, तो अभी ड्रॉ करने के साथ साथ आपको ये पूरा पार्ट समझा रहा हूँ, तो आपको पता चल भी जाएगा कि वैसे ड्राइंग तो आप स्केल से करते हो मगर कैसे करना है। सो जगह का ख्याल रखना है, टेबल में हमें खास राइट हैंड साइड कॉर्नर पे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दी जाए वो लिखनी है। सम में वैसे नया कुछ पार्ट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, खाली लग गया रहा है नया। तो अब वाई वाला हिस्सा इधर है तो नीचे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स यानी एफ यू नहीं आएगा, नीचे आएगा एफ यू, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, टेबल को पहले कंप्लीट कर लेता हूं मैं। मेरी जो ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा था वो मैंने कर लिया है, अब मुझे 6 रोज एंड 6 कॉलम्स ऐड करना है। अब जब यहाँ पे नीचे लिखते हैं यहाँ पे जगह मैं यूज करता हूँ, तो क्या करना है, एफ यू की कॉलम ड्रॉ कर लेने की, फिर यहाँ पे हमारी फॉर्मूला आती है एन यानी सिग्मा एफ यू एंड सिग्मा एफ यू, ठीक है। फिर बाकी लाइंस को एक्सटेंड मत करो, जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक आ गया है तो 2, 3, 4, 5 और 6, मुझे 6 कॉलम्स चाहिए, 6 रोज चाहिए, ठीक है। स्केल से आप एकदम प्रॉपरली काम कर सकते हो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एक इसके अलावा और मुझे 5 लाना है, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है वो पहले ड्रॉ करना है, इसमें तो आप कर ही नहीं सकते आगे सब पहले कि लास्ट में मैं लाइंस ड्रॉ कर दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखने वाला पार्ट है वहां पे प्रॉब्लम होगा। गिन सकते हो 6 रोज एंड 6 कॉलम्स, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम काम, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करना है कोरिलेशन कोऑफिशिएंट। और कोरिलेशन कोऑफिशिएंट की फॉर्मूला ऑलमोस्ट अब आपको याद रहेगी, ये यूवी वाली फॉर्मूला ही है, खाली हर हिस्से में फ्रीक्वेंसी आती है, एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू
ब्रैकेट जरूर करना, सिग्मा वी एफ वी नीचे इन द स्क्वायर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू होल स्क्वायर, सेम वे एन सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी माइनस सिग्मा वी एफ वी होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से हमें आगे जाना है। आज हम दो सम करेंगे, इसमें पहले सम के अंदर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं तो x और y की जगह की अदला बदली, फिर दूसरा एक सम है उसके अंदर हम थोड़ा और वेरिएशन ऑब्जर्व करेंगे इंटरवल्स का पार्ट। चलो तो अब शुरू करते हैं हमारा सम। सबसे पहला काम है ये y है, पहले हम नीचे का ही काम लिख देते हैं। ये है y, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे एफ वाई यानी एफ वी। ठीक है, टोटल करना है 18 प्लस 12, टोटल इजी है इसमें सीधा हो जाएगा 30, 28 प्लस 2 ये होगा 50 एंड ये है 20। x वर्टिकल है तो सामने हम लिखेंगे एफ यू। खास ध्यान रखना है जब वो खुद लिख के एग्जाम में देते हैं x एंड y तब चेंज नहीं करना है या टेबल ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने देने का, खाली हमारे टोटल की जगह बदल जाएगी, आंसर तो सेम ही आता है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल टोटल करते हैं। ये x इंटरवल है उसका टोटल, तो ये होगा 46, ये होगा 40 एंड ये होगा 14। ठीक है, टोटल दोनों साइड चेक कर लेने का, 30 प्लस 50 80 प्लस 20 100, 40 प्लस 46 86 प्लस 4 90 प्लस 10 100, आप चेक कर सकते हो अपने कैलकुलेटर के अंदर। तो n मुझे मिल चुका है मेरा 100। ठीक है, n के बाद हमें पता है, हमें खास यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे जगह नहीं बदलनी, तो मैं क्या करता हूँ फॉर्मेट वही रहने देता हूँ। मैं कैलकुलेशन लिखने का काम है तो मैं पहले यहाँ पे बी एन सी वाई लिखूंगा। ठीक है, जगह तो वही रखनी है, पहले बी लिखो नीचे यू लिखो तो भी चलेगा, बट आई एम नॉट चेंजिंग इट, फॉर्मेट वही रहे इसलिए। अब बी के लिए मुझे इनकी मिड वैल्यू चाहिए होगी, सो मिड वैल्यू ऑफ उत्तावड़मा जल्दी माँ जल्दी जल्दी में एक्स ना लिख दे। खास ध्यान रखना है सम में अगर चेंजेस है तो यहाँ पे लिखते वक्त ध्यान रखना है वाई की मिड वैल्यू दैट इज 22.5। वर लंबाई क्लास इंटरवल में मिल चुका है वाई का, वो है 5, तो 5 ऐड करने का 27.5 एंड 32.5। ठीक है, यानी वेरिएबल चेंज होने से ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा, कैलकुलेशन वही रहने वाली है, खाली फर्क क्या पड़ेगा तो जगह में x और y की वजह से u एंड v के टेबल एक्सचेंज हो जाएंगे। मिड वैल्यू ऑफ y, अब हमें v लेना है। एक दो तीन ऑब्जर्व है सेंटर, तीन ऑब्जर्वेशन है, सेंटर इज ऑलवेज द मीन, सेंटर को हमें मीन ले लेने का, अज्यूम्ड मीन 27.5। और फिर जो हम कहते हैं हर बार चेकिंग करने के लिए लिखते हैं हम y माइनस 27.5 डिवाइडेड बाय 5, सेंटर जहां पे आपने अज्यूम मीन लिया है वहां पे जीरो होता है। 27 से जिस साइड वैल्यू बढ़े, जमनी डाबी राइट लेफ्ट ऐसा याद मत रखो, 27 से जिस साइड वैल्यू बढ़े वहां पे प्लस 1, ऑपोजिट साइड पे क्या होगा माइनस 1। इस तरह से याद रखोगे, शॉर्टकट्स आर डेंजरस मगर ध्यान से याद रखा जाए, टेक्निकली याद रखोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा 0, 1, 2, 0, माइनस 1, माइनस 2 ऐसा ही आएगा, प्लस माइनस जो है डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। एसेंडिंग हो तो लेफ्ट में प्लस राइट सॉरी लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस, उल्टा हो तो हमारे एग्जाम्पल्स भी आने वाले, वो भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, v इंटू एफ वी, इस एक विलंब को याद रखना वो आ रहा जाए v एफ वी के बीच में, सो माइनस 30, 0 इंटू 50, 1 इंटू 20 यानी 20, तो टोटल मिल चुका है हमें माइनस 10, दिस इज सिग्मा, ध्यान से v एफ वी है माइनस 10। v स्क्वायर एफ वी हम पहले कह चुके हैं v इंटू v एफ वी यानी v स्क्वायर एफ वी माइनस माइनस प्लस, सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, आई मीन आप कैलकुलेटर से ही करना। वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर एफ वी यानी 30 प्लस 20 यानी 50, प्लस 50 है, और लास्ट कॉलम के लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे वी है मगर यू नहीं है, हमें चाहिए एफ इंटू यू इंटू वी। ठीक है, तो एक साइड का पूरा काम हो चुका है, जैसे हम आगे कर रहे हैं वैसे हर समय मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाऊँ, ताकि थोड़ा सा भी अगर डाउट किसी का रह गया हो तो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए। फिर भी कुछ भी डाउट लग रहा है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ फोन करो, ठीक है, ज्यादा डाउट लग रहा है नोटबुक बुक लेके क्लास पे आओ, पर्सनली टाइम लेके मिलो,
तो क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग से आपको बुला के आपको पूरा पार्ट समझाएंगे, मगर डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वाई वाले हिस्से के लिए। देखो वाई तो आ चुका है, अब एक्स वाला हिस्सा सम के अंदर चेंज हो चुका है। अब मैं करूंगा मिड वैल्यू ऑफ एक्स, सो 16 प्लस 20 बाय 2 यानी 18 होगा। देन हमें पता है 16 20 24 यानी यहाँ पे जो सी एक्स है हमारा क्लास इंटरवल जो है वो 4 है और 18 यहाँ पे आएगा 4 एड करना 22 और यहाँ पे आएगा 26। सेंटर इज द मीन, अज्यूम्ड मीन हम सेंटर वाला ही लेते हैं ताकि ये हमें हेल्प करे जब हम f इनटू u इनटू v करते हैं तब। सो x माइनस 22 बाय 4, सम भले ही लेंथी हो मगर एक बार आप 3-4 सम आराम से कर लेते हो फुल प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस के साथ तो प्रॉब्लम जरा भी नहीं आएगा, चाहे कोई सा भी सम हो बनाते, ठीक है। मेथड इज इंपॉर्टेंट। अब जिस तरह से हम पहले कह चुके हैं जो आपका अज्यूम्ड मीन है वहां पे आएगा 0। अब मैं शॉर्टकट भी यूज कर रहा हूं, जिस साइड वैल्यू बढ़े 22 की कई बाजू कीमत वधे छे नीचे तो जे बाजू वधे ए बाजू प्लस आवशे, 0 के बाद क्या आएगा प्लस 1 ऊपर आएगा माइनस 1। फिर भी एक चेक कर लेने का, 26 रखो, 26 माइनस 22 यानी 4 बाय 4 प्लस 1 कंफर्म, दो साइड प्लस नहीं होगा दो साइड माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेने का ताकि आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहे। अब u into fu करना है, u with fu minus 46, this is 0 and this is 14, so sigma u fu क्या मिलेगा minus 32, okay। तो u fu मिल चुका है हमें, अब हमें चाहिए u square into fu, so minus minus plus 46, this is 0, 14, तो 50 प्लस 10 यानी 60। अब तक तो जरूरत पड़ी नहीं मुझे अभी कैलकुलेटर यूज करने की, अगर अब जरूरत पड़ेगी। सो एक और हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब अटके हुए हैं हम कहाँ पे अटके हुए हैं, f इंटू यू इंटू वी में अटके हुए हैं, ठीक है। f इंटू यू इंटू वी के बाद वैल्यू रखने वाले टाइम आने वाला है 50% फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है। f इंटू यू इंटू वी हमें बहुत हेल्प करता है, पहले एक कैलकुलेशन समझा देता हूँ मैं यहाँ पे एफ यू वी की, फिर वो डिस्काउंट की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी 18, 28, 12, 22, 6, 14 अंदर जो है वो है हमारी फ्रीक्वेंसीज, उनका हमें विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी मल्टीप्लीकेशन करना है। 18 को मैं पकड़ता हूँ 18, उससे रिलेटेड यू क्या है ना ये वी है, यू क्या है माइनस 1, उससे रिलेटेड वी क्या है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 18। आप ऑफिशियली यहाँ पे कैलकुलेशन देख भी सकते हो वो क्या आया 18, ठीक है। अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर काफी बाजू ना ऊपर ना कोना में वाया वे कोना में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कह सकते हैं अगर डायरेक्शन की बात करें तो वहाँ पे लिखना है। अब हम यूज करेंगे वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अगर वी या यू जीरो है तो उस कॉलम में कोई है फ्रीक्वेंसीज, हाँ है कर दो जीरो, हो गया जीरो। यू जीरो है रो में जीरो है आई मीन कोई फ्रीक्वेंसी है तो कर दो जीरो, लो हो गया हमारा काम, खाली 14 बाकी है बस, दैट्स ऑल। 14 1 1 14 1 1 1 1 14 यानी 14 बस, ओके दैट्स गुड। तो टेबल खत्म हो गया चेक कर लेने का, कोई बाकी रहा नहीं है, बाकी तो तीन क्या थे डैशेस, तो दो कैलकुलेशन करने में नहीं हमें लकीली बहुत ही प्यारा समय। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं 18, f इंटू यू इंटू वी का टोटल यानी क्या जो ऊपर हम लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हैं f u v उनका टोटल करना चाहिए हमें। सो दिस इज 14, एक साइड से हो गया, दूसरी साइड वैसे यहाँ पे कुछ है नहीं, 18 0 14 ही है दोनों साइड पे बिकॉज ऑफ द जीरोस, डॉट्स ऑफ जीरोस हमारे पास अवेलेबल है। एंड अब फाइनली सिग्मा f u v अगर हम कहें तो 18 प्लस 4 22 प्लस 10 यानी प्लस 32। सेम वे हियर यहाँ पे हमें मिलेगा सिग्मा एफ इंटू यू इंटू वी, वो भी क्या होगा 32। तो हमारे सभी टोटल जो है वो रेडी हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम तैयार हैं हमारी कैलकुलेशन के लिए। एक एफ यू वी की कैलकुलेशन एग्जाम में भी खास करना ताकि आपको परफेक्टली कॉन्फिडेंस रहे कि कैसे की है हमने कैलकुलेशन। जब आप होमवर्क में सम करते हो मैं तब भी कहता हूँ तब भी आप ये काम करो खास, ठीक है। वैल्यू रखते हैं हम
n n यानी 100 सिग्मा एफ यू भी अभी लेके आया 32 सिग्मा यू एफ यू यहाँ पे यू एफ यू है वहां पे सिग्मा वी एफ यू है दोनों माइनस है इन द स्क्वायर रूट n यू स्क्वायर एफ यू यानी 60 हमारे पास है वैसे आगे का काम मैं आपको खुद दे दूं तो भी चलेगा जनरली क्लास होता था तो मैं यहाँ पे देता था घर पे यहीं पे करने के लिए कि चलो आगे का काम खुद करो मगर ऑनलाइन लेक्चर में ये काम नहीं कर सकते ठीक है तो होमवर्क में तो आपको वैसे भी सब दे ही रहे रेगुलरिटी रखोगे तो आपके लिए फायदेमंद है कुछ लोग लेट सबमिशन बहुत करवा रहे हैं खास ध्यान रख रहा हूँ मैं उन स्टूडेंट्स पे फिर पेरेंट्स को बुलाना ना पड़े ऐसा काम करना क्योंकि रेगुलरिटी हो तो ही अच्छा रिजल्ट आता है ठीक है सो वैल्यूज हमने सब रख दिए खास ध्यान रखने का कोई वैल्यू में गड़बड़ ना हो जाए यू स्क्वायर एफ यू यू एफ यू एंड सो ऑन ठीक है तो अब दिस इज 3200 माइनस माइनस प्लस एक दो तीन बार माइनस यानी आंसर माइनस होगा माइनस 320 दिस इज 6000 माइनस 32 का स्क्वायर जो है वो मुझे याद नहीं है तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन कैलकुलेटर महाराज आ जाइए सो 32 का स्क्वायर इट इज 1024 एंड द सेकंड पार्ट उसमें तो ठीक है नॉर्मल है 5000 माइनस का पहले स्क्वायर होगा यानी 100 एंड अप्लाई होती है बाद में माइनस साइन सो खास ध्यान रखना है 3200 माइनस 320 हम करेंगे सो 2880 नीचे 6000 माइनस 1024 दैट इज 4976 दिस इज 4900 दूसरा तो इजी है 4976 का स्क्वायर रूट अगर निकाले हम दैट इज 70.54 और 4900 का तो स्क्वायर रूट 70 ही होगा सो अगर पूरा आंसर अगर हमें चाहिए इन्हें सब में वैसे कुछ टेक्निकली कुछ टफ नहीं है खाली जगह की अदला बदली हो गई यू एम वी की वो आपके लिए समझने के लिए नया पार्ट होगा बाकी तो सब एकदम फर्स्ट क्लास है और डिवाइड करते हैं तो आर की वैल्यू जो है वो हमें मिलती है 0.5832 यस और आंसर अगर पॉजिटिव है तो हमें लिखना चाहिए दैट इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन ठीक है तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा नया हिस्सा नए हिस्से में क्या आया तो नए हिस्से में हमें क्वेश्चन के अंदर दिया ही गया था कि यहाँ पे y है यहाँ पे x है यानी जगह की अदला बदली हुई आंसर तो उसी तरह से हम ला रहे हैं कोई उसमें कष्टदायक काम नहीं है ठीक है गुजरात यूनिवर्सिटी से रिलेटेड दो तीन ऑब्जेक्टिव हमें देखने तो उसमें हमें दिया गया है 2016 गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का ऑब्जेक्टिव है ओल्ड एडिशन की बुक अगर आपके पास हो तो उसमें शायद नहीं होगा अदरवाइज 16 या 17 नंबर का सम है उसके अंदर उन्होंने हमें ये डेटा दिया गया है एंड कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ठीक है अब सम के अंदर ज्यादा कुछ कष्टदायक नहीं है हमारे बायवेरिएट टेबल वाले सम थोड़े लेंथी रहते हैं इसलिए दूसरा सम मैं अभी नहीं ले रहा तो ये ऑब्जेक्टिव थोड़े से देख लेते हैं ठीक है तो इसके अंदर करना क्या है आपके पास दिख रहा है फॉर्मूला है कोवेरियंस वाली हम यूज करने वाले यानी वी नो दैट आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई बेसिक फॉर्मूला अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई ये फॉर्मूला हमें यूज करनी है ठीक है और इससे रिलेटेड हमें ये तीन वैल्यूज को ढूंढना होगा और ये तीन वैल्यूज हमें कैसे मिलेगी तो सबसे पहले ये इक्वेशन दिया है हर एक हिस्से को हम 60 से कंपेयर करेंगे यानी 1/3 कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू 60 करूंगा तो मुझे कोवेरियंस एक्स वाई मिलेगा 60 into 3 यानी 180 उसी तरह से 3sx को मल्टीप्लाई करूंगा 360 से 3 टाइम्स sx इज 60 देयरफॉर sx मुझे मिलेगा 60/3 यानी 20 ठीक है काम एकदम सिंपल है उसी तरह से लास्ट हिस्सा 5sy है उसे भी मैं कंपेयर करूंगा 60 से तो मुझे sy मिलेगा 60 divided by 5
यानी वो मिलेगा 12। यानी तीनों वैल्यू रेडी हो जाए उसके बाद तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई और वैल्यू रख देते हैं यानी कोवेरियंस इज 180 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 12। तो फाइनली कैलकुलेटर का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो आंसर हमें मिलेगा 180 डिवाइडेड बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय 12 वो आंसर है 0.75। ठीक है तो हमारा जो आर है वो हमें मिल जाता है 0.75। ठीक है ये पहला ऑब्जेक्टिव हुआ। मटेरियल की कॉपी अभी आपके पास सभी के पास होगी ही जिसके अंदर पेपर दिया गया है लास्ट ईयर का। ठीक है इसके अलावा पेपर सेट जेरॉक्स सेंटर है यहाँ पे नजदीक में हमारा उस जेरॉक्स सेंटर पे आपको 2019 के पहले के 3 साल तक यानी 17, 18, 19 3 साल के सभी सब्जेक्ट के पेपर्स का एक पीडीएफ वहाँ पे हमने रखा हुआ है। आप वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के ऐसे एक पीडीएफ बना सकते हो और अगर मटेरियल कॉपी है तो 2019 का पेपर इसमें पीछे दिया गया है। ठीक है जिन्होंने फीस पे नहीं की है तो उनके पास ये नहीं होगा तो प्लीज़ कंप्लीट करो एडमिशन की प्रोसेस और ये मटेरियल की कॉपी भी आप कलेक्ट कर सकते हो क्लास के ऊपर से विद रिसिप्ट। ठीक है तो अब जो है हम एक ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन 1 हमारा होता है 2019 के क्वेश्चन नंबर 1 ए का जो पहला हिस्सा है 7 मार्क्स का उसमें उन्होंने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबल एरर। याद होगा प्रोबेबल एरर पीई राइट इट्स फॉर्मूला एंड स्टेट एनी वन यूज यानी जो पूरा हिस्सा है वो लास्ट ईयर के पेपर में पूछा जा चुका है एंड उसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है उसी के साथ उन्होंने पूछा है एन की वैल्यू 10 है सिग्मा एक्स 30 है सिग्मा वाई 50 है सिग्मा एक्स वाई इज 180 एस एक्स इज गिवन एज 2 एस वाई इज गिवन एज 3 और इतनी डिटेल है हमारे पास और इसका इस्तेमाल करके डिटेल का हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ आर। ठीक है शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यानी अगर किसी के पास बुक या मटेरियल कॉपी नहीं है तो ये दो क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ शॉर्ट में बाकी आप डिटेल में देख लेना। अब फॉर्मूला कौन सी यूज करोगे याद करा आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। सिग्मा एक्स वाई है हमारे पास सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स है एक्स बार वाई बार नहीं है मगर एन दिया गया है यानी सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है 2019 के पेपर में 7 मार्क्स पूरे मिल गए थे और इसके साथ बाइवेरिएट टेबल वाला बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक एग्जांपल पूछा है नॉर्मल सा जो आज हमने किया वैसा ही है मगर उसमें नॉर्मल एक्स एक्स वाई वाई ओरिजिनल जगह पे थे वैसा सब पूछा था तो काम बहुत ही अच्छा पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते मगर सब कुछ रेडी करो तो ठीक है यानी अब हम फाइंड कर रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारा खास टाइटल जरूर लिखना है 7 मार्क्स के अंदर पूछा गया था जिसमें 1 मार्क जो है प्रोबेबल एरर का 1 मार्क जो है उसकी फॉर्मूला का 1 मार्क उसका एक यूज का। ठीक है ऑलमोस्ट 3 मार्क्स हो गए बाकी 4 मार्क्स में ये छोटा सा सम डिपेंड करता है वो पेपर सेटर ने जैसे सेट किया उस हिसाब से। सो 180 माइनस एन एन यानी 10 एक्स बार यानी 3 वाई बार यानी 5 तो फॉर्मूला पे चल रहा हो तो वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है जो मेन पार्ट है वो है फॉर्मूला है। ठीक है 180 माइनस 150 बाय 100 सो दिस इज 30 बाय 100 यानी जो हमारा आर है वो जो है वो होता है 0.30 या 0.3। तो गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 एग्जैक्टली लास्ट ईयर का जो पेपर था तब ये पूछा गया था दिसंबर 2019 के अंदर। ठीक है तो खास याद रखना है छोटा सा विथ थियरी मिक्स करके भी पूछते हैं। ठीक है तो प्रॉपरली तैयार करना है ऐसा एक ऑब्जेक्टिव और भी है हमारी बुक के अंदर तो वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। यही फॉर्मूला से कनेक्टेड पार्ट था वैसा ही है जो अभी मैंने मिटाया है 2016 का क्वेश्चन था वैसा ही एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास है। तो बुक के अंदर जो है वो नंबर दिया गया है वो है सम नंबर 15 दिया गया है ऑब्जेक्टिव में पेज नंबर 51 पे है
उलट उलट है 15 नंबर का सम, पेज नंबर 51 मेरी बुक में, एडिशन अपडेटेड होगी तो 51, 2, 3 ऐसा हो सकता है नंबर, उसमें हमने दिया है फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, सम यानी सिग्मा, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन यानी x माइनस x बार y माइनस y बार, ओके। अब इससे पहले मैं सेंटेंस लिखूंगा तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, वैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने अंदर, फिर भी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम देयर मीन इज 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। उन्होंने जो डेटा दिया है उसमें इतनी इंफॉर्मेशन दी है, खाली एन दिया है और बस इतना पार्ट, ठीक है। तो इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कि सम ऑफ डेविएशन, यानी मैंने कहा सम ऑफ डेविएशन, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन यानी वो होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, डेविएशन इट विचलन, नो प्रोडक्ट, विचलन नो गुणाकार नो सरवाल, वो क्या है इज 5 टाइम्स, 5 गुना जो 5 टाइम्स किससे, sd ऑफ x एंड sd ऑफ y यानी sx एंड sy, 5 टाइम्स जो है वो sx एंड sy जितना है, इतना वो कह रहे हैं। तो आप कौन सी फार्मूला यूज करोगे, कोरिलेशन की फार्मूला का लिस्ट हमारे पास था, ऑलमोस्ट 7 फार्मूला थी जिसमें से आप फॉर्मूला नंबर 2 कोवेरियंस की फॉर्मूला के बाद कोवेरियंस का हिस्सा रख के हमने एक फॉर्मूला बताई थी x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, इस फॉर्मूला का हमें इस्तेमाल करना है। अब सिग्मा x माइनस x बार वाला हिस्सा पूरा रेडी है, विदाउट एनी टेंशन 2 ही मिनट में आपका आंसर, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा, क्योंकि n 10 है, नीचे एस एक्स है, sy ब्रैकेट में कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो जो हमारा r है वो सीधा क्या मिलने वाला है 0.5, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, कनेक्टेड है ये ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो कोई कष्टदायक वैसे काम नहीं है। एक और ऑब्जेक्टिव हम ले लेते हैं लास्ट में, वैसे तो मैं करवाता हूँ ऑब्जेक्टिव्स, मगर अभी क्या है सम बड़े हैं तो दूसरा जो सम लेना था मुझे आज वो थोड़ा लेंथी हैवी भी था, और नेक्स्ट टाइम लेंगे तो क्या है फीलिंग अच्छी आएगी आपको भी। अब जो ऑब्जेक्टिव है 10 नंबर का है, नॉर्मल सा दिया गया है, पेज नंबर 51 पे ही है, फॉर 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कोवेरियंस इज 20, एन इज इक्वल टू 7, कोवेरियंस बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज 20, वेरियंस ऑफ एक्स, ध्यान रखो वेरियंस आपको जो वेरियंस ऑफ एक्स है ना उसे कहा जाता है एस एक्स का स्क्वायर इज 28, एंड सिमिलरली उन्होंने दिया है वेरियंस ऑफ वाई जिसे हम कह सकते हैं एस वाई का स्क्वायर, एंड नॉर्मल क्वेश्चन है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर फाइंड करो, और इसके ऊपर से हम फाइंड करते हैं एस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 28 एस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 30, एंड सिंपल काम हो गया है अब तो, बेसिक हो गई फॉर्मूला। सो कैलकुलेशन वाले जो भी ऑब्जेक्टिव्स है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई, कोवेरियंस की वैल्यू 20 है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 28 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 32, तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सो स्क्वायर रूट ऑफ 28 जो है वो होता है ऑलमोस्ट 5.2915 लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 32 जो है वो है 5.656 है, यानी उसमें लिखता हूँ 5.66, 20 डिवाइडेड बाय इन दोनों को करेंगे तो हमारा आंसर दौड़ता भागता हुआ आएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाता है कैलकुलेशन में ये सम पूछा जाए तो, डिपेंड करता है फिर भी पेपर सेट करने वाले के ऊपर कि उन्हें कितने मार्क्स में पूछना है इसे। सो आंसर जो है दैट इज 0.6679 मिल रहा है आंसर हमें अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप बुक में देखते हो तो उन्होंने दिया है 0.67। तो ऑब्जेक्टिव में ये जो कैलकुलेशन वाले कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है।
प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन. थैंक यू.